हाई मैं हूँ हमारे इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी में जिसे कहा जाता है कोरल पैराडाइज ऑफ इंडिया। ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइलैंड्स में से एक है और जिसे हम सब जानते हैं लक्षद्वीप के नाम से। वैसे हमारे इंडिया के मैप में ये सिर्फ एक डॉट की तरह दिखाई देता है, बट ये एक डॉट इतना खूबसूरत है कि आपको यहाँ पे आके लिटरली मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे आना जो है वो नॉर्मली काफी प्रोसीजर्स के बाद होता है, काफी सारे लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि क्या क्या चीजें हैं जिनको यहाँ आने से पहले हमें जानना जरूरी है। वो सारी चीजें, वो सारी डिटेल्स, इवन छोटी से छोटी पिंच ऑफ डिटेल विद इन्फॉर्मेशन जो भी बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज एंड तक ही मैं सारी चीजें कवर कर पाऊंगी। एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको जिसके भी साथ शेयर कर सकते हैं, जिनको आपको लगता है कि लक्षद्वीप आने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वाटर के कलर से आपको लग रहा होगा कितने वेरिएशन हुए, आई डोंट नो कैमरा उसे एग्जैक्टली कैप्चर कर पा रहा है नहीं, बट लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी क्विकली। एक तरफ है बिल्कुल डार्क ब्लू ओशन कलर, देन लाइट ब्लू, देन लाइट ग्रीनिश कलर एंड देन व्हाइट। इतना सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन आपको लिटरली रेयर प्लेसेस में मिलेगा। आई हैव बीन टू मालदीव्स एज वेल, वहां पे भी ये नहीं मिलता। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें कि आपको इंडिया के इस खूबसूरत से पैराडाइज के बारे में सब कुछ पता चले। मैं हूँ डेक के यानी कि शिप के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे और यहाँ से व्यू जो दिख रहा है दैट्स जस्ट बियॉन्ड ऑसम। लाइक मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास में कि ये क्या है, मैं बिल्कुल बैक साइड से आपको भी कैमरा करके दिखाऊंगी एंड इट्स जस्ट नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस ब्यूटी इज इन आर इंडिया यार। मतलब हमारे अपनी कंट्री में इतने सुंदर सुंदर सी जगह है और हम बाहर जाके ये सब ढूंढते हैं, कोई वर्ड्स नहीं है। बिल्कुल ग्रीनिश वाटर दिख रहा है, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ फटाफट से। बंगारम पहुंचने के बाद आपको जैसे जाने का जो तरीका है वो एक शिप से, मतलब एक बोट से आपको दूसरी बोट में जाना है। बैग थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ, बीच में पानी है ऑफ कोर्स और बोट बहुत ज़्यादा हिल रही है। ओके डन, वन लेग। सो उस बोट से इस बोट पे मैं आ गई हूँ और अब मुझे जाना है इस ब्रिज से। यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है, मुझे बैठ के जाना पड़ेगा। ओके हाँ यार ये भी पानी में है। सो कुछ इस तरह से अभी मैं इस पे हूँ और यहाँ पे चलना है इस हैंगिंग ब्रिज पे। इसको पीछे से दिखाती हूँ। वैसे तो लक्षद्वीप में लेकर बैन है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ यानी कि बांगाराम में मेरे पीछे जो देख रहे हैं बार, वहाँ से खरीद के इस बीच पर उसे पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से ख़रीदना अलाउ है, बट आप बाहर से उसे लेके नहीं आ सकते, वो बैन है। और जो भी यहाँ के आइलैंड्स है जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे वो बैन है, और क्योंकि बांगाराम एज एन अनइनहैबिटेड आइलैंड तो यहाँ पे सब कुछ अलाउ है। गोइंग टू And what is the history behind sand bank? Oh, the surrounding is just a sand between the island.
में आपको कैसा कॉटेज मिलेगा वो मैं दिखाती हूँ। पूरा वुडन कॉटेज है। जैसे ही ये कॉटेज स्टार्ट होता है, मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं चेयर्स रखी हुई है जो बैठने के लिए है, क्योंकि सामने की साइड पर बीच व्यू है। उस साइड नहीं घूमूंगी क्योंकि सनलाइट बहुत ब्राइट है, तो आपको कलर वेरिएशन दिखेंगे, मैं वो बाद में दिखूंगी। फिलहाल रूम के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि रूम कैसा है। जैसे ही रूम स्टार्ट होता है, आप जैसे ही अंदर आते हैं, आपको एसी पहले से ऑन मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो पहले से कूलिंग मेंटेन करते हैं। पेंटिंग्स लगी हुई है, यहाँ पे बॉटल रखा है, कैटल्स लगी हुई है। ये बैक साइड में जो दिख रहा है ये बेड है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। वॉशरूम की बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, बट जो 3 स्टार में मेंटेन किया जाता है स्टैंडर्ड्स के लिए, वो सब कुछ है। शॉवर जेल, टॉवल, ये वो जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। तो मतलब आप इसे 3 स्टार कैटेगरी का रिजॉर्ट बोल सकते हैं। बाकी प्राइसिंग की डिटेल हम देखेंगे। व्यू यहाँ के बहुत अच्छे हैं और जिस जगह पे, जिस लोकेशन पर ये प्रॉपर्टी बनी हुई है, यहाँ पे भाई रूम के अंदर बैठना तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। कोई भी यहाँ पे रूम के अंदर बैठने के लिए नहीं आता है। बाहर के व्यू को एंजॉय करने के लिए हम आते हैं, तो अभी हम भी बाहर जाएंगे, व्यू को एंजॉय करेंगे। सामने मुझे चेयर्स दिख रही है बिल्कुल बीच के किनारे, मैं आपको पास से जाके दिखाऊंगी, पानी का कलर दिखाऊंगी, बीच पे मस्ती करते हुए लोगों को दिखाऊंगी, सारी चीजें जाके आगे देखते हैं। गंगाराम का मेन अट्रैक्शन है यहाँ का सैंड बैंक, और वहाँ पे जाने के लिए आपको रिजॉर्ट के बैक साइड में आना होता है जहाँ पे बना हुआ है हेलीपैड, और हेलीपैड से आप आराम से स्लोली एंजॉय करते हुए पानी के थ्रू जाते हैं सैंड बैंक पे, और वहाँ जाके अपनी बहुत सारी फोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पे वैसे भी रश बहुत कम होता है, बहुत कम लोगों की एंट्री है क्योंकि सिर्फ 30 कॉटेजेस बने हुए हैं, यानी मोस्टली 60 लोगों की कैपेसिटी है। कभी कभी बच्चे वगैरह साथ में होते हैं और बिल्कुल फुल ऑक्यूपेंसी बहुत कम होती है, तो आप समझ सकते हैं रश कितना कम होता है। बाकी आप यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राइवेसी होगी, बहुत ही कोजी सा ये प्लेस है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ में प्लान कर रहे हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो ये आपके लिए परफेक्ट प्लेस हो सकता है। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ सैंड बैंक की तरफ, जो मुझे सामने दिख रहा है, और जहाँ पे मुझे 2 कपल्स फोटोग्राफी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाके कुछ प्यारे प्यारे से फोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ और हम क्लिक करवाते हैं प्यारे प्यारे से फोटोज, और उसी के साथ मैं आपको दूंगी एक प्यारा सा टाइम लैप्स सनसेट का। बंगाराम के जिस साइड से आप रिजॉर्ट में एंटर होते हैं, वहां से आपको दिखता है सनराइज, और बैक साइड से आपको दिखता है सनसेट। मेरे बैक साइड में सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है, बादलों के पीछे सूरज डूब गया है, आसमान बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो गया है, और ऐसे में पानी में उसकी परछाई से पानी का रंग भी बिल्कुल ऑरेंज दिखाई दे रहा है। और ऐसे कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ वही दिखाई देंगे जहाँ थोड़ी सी शांति हो, और ऐसा शांति और सुकून बस यहीं पे। फिलहाल मैं पानी के बिल्कुल बीच में हूँ, सैंड बैंक तक पहुंची भी नहीं कि पहले ही सनसेट हो गया, क्योंकि मैं लेट हो गई चाय वाय पीने में। लेकिन आप उससे थोड़ा सा पहले ही आ जाएं ताकि आप सैंड बैंक तक पहुंच जाएं, और नहीं तो भी यहां से भी सनसेट का मजा ले सकते हैं। हल्के हल्के से बादल है इस वजह से अभी सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि 6:30 बजे तक सनसेट यहाँ पे नॉर्मली होता है, पर क्योंकि बादल है थोड़ा सा सूरज जो है वो बादलों के पीछे ढक गया है, हालांकि व्यू उसकी वजह से बहुत अच्छा हो गया है। नीला आसमान, उसके बीच में ऑरेंज शेड और नीचे काले काले बादल, वाओ जस्ट प्यारी सी चांदनी रात। सामने आपके बीच हो, आराम से आप बैठे हो और पूरी रात एंजॉय कर पाए इस तरह के व्यू को, शांति को और प्रकृति का मजा ले पाए, ये मुझे लगता है सबका सपना होता है। एक ना एक बार हम सबको लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस करना होता है, एंड एज ऑफ नाउ मैं ये सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ। रात के बज गए हैं 2, वेव्स मेरे सामने आ है, बीच पूरा मेरे सामने ओपन है, कोई आसपास नहीं है, बहुत ज़्यादा सुकून है, रात बिल्कुल चांदनी है, चांद मेरे सामने है, और मैं बिल्कुल आराम से यहाँ पे चिल कर रही हूँ। तो इस तरह की बहुत ही प्यारी प्यारी कोजी रोमांटिक वाली वाइब्स, इसमें आपको चाहे मी टाइम एंजॉय करना हो या अपने कपल के साथ एंजॉय करना हो, यानी कि अपने पार्टनर के साथ में, यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट मेमोरीज मिलेंगी।